मध्य प्रदेश में महिला एवं बच्चियों के खिलाफ लगातार बढ़ रहे अपराध और प्रदेश में ड्रग्स का अड्डा बनने के खिलाफ कांग्रेस के सभी नेता सामूहिक उपवास धरने पर बैठे। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा, मध्य प्रदेश को भाजपा सरकार ने देश का सबसे भ्रष्ट प्रदेश बना दिया है। मध्य प्रदेश में महिला एवं बच्चियों पर लगातार बढ़ रहे अपराधों को लेकर कांग्रेस नेताओं ने बड़ा धरना देकर उपवास रखा है। भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता उपवास पर बैठे। पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, एआईसीसी महासचिव व मध्य प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने जमकर भाजपा सरकार पर हमला बोला। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश की तस्वीर सबके सामने है, हमारा किसान हो या नौजवान हो, आज सब परेशान है। मध्य प्रदेश की एक उपलब्धि है, इसे देश का सबसे भ्रष्ट प्रदेश बना दिया गया है। आज प्रदेश में ना बच्चियां सुरक्षित है और ना ही नौजवान। प्रदेश की तस्वीर आज सबके सामने है, हमारा किसान हो, हमारा नौजवान हो, और उपलब्धि है कि मध्य प्रदेश को सबसे भ्रष्ट प्रदेश पूरे देश में बनाया। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।